हमजा बंद करो इसे, हर वक्त इसी में बिजी रहते हो। क्या हो गया, सब खैरियत? हाँ, मुझे और तुम्हारे पापा को तुमसे जरूरी बात करनी है। तो कहिए ना, हुक्म करें। फ्यूचर के बारे में तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? बाबा कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि मंगनी करूंगा, देन आई प्लान टू गो टू यूएस और वापस आकर शादी। हाँ, हमारे भी तकरीबन इसी तरह के प्लान्स हैं तुम्हारे बारे में, लेकिन मंगनी शंगनी नहीं, शादी करो, अमेरिका जाओ और वहीं सेटल हो जाओ। हाँ तो बाबा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो वैसे ही अमेरिका बहुत अच्छा लगता है, तो मैं शादी करके रानिया के साथ वहां पर शिफ्ट हो जाऊंगा। ये रानिया का जिक्र शादी को लेके और तुम्हारे फ्यूचर को लेके कहां से आ गया? कम ऑन अम्मी, जिससे शादी होगी उसी का जिक्र करूंगा ना। देखो बेटा, हमने किसी और को सिलेक्ट किया है तुम्हारे लिए, रानिया से बहुत बेहतर है, और वैसे भी रानिया जो है वो तुम्हारी माँ को पसंद नहीं। क्या प्रॉब्लम है रानिया में? वो हमारी फैमिली के साथ सूट नहीं करती। सूट करे या ना करे, मैं सिर्फ और सिर्फ रानिया से ही। Just shut up and listen to her. हमने जिसको सिलेक्ट किया तुम्हारे लिए, कम से कम मीट हर, एक दफा उससे मिल लो, जब उससे मिलोगे देन वी टॉक, ओके? बात कर लिए ना? आई हैव टू मेक अ फोन कॉल नाउ। हमजा, हमजा मेरी बात सुनो, तुम्हें ना तो अपने बाप की सेहत का ख्याल है और ना ही इतने सालों से मेहनत करके उन्होंने जो बिजनेस खड़ा किया है उसका ख्याल है। क्या किया मैंने बिजनेस को? रोज ऑफिस जाता हूँ मैं, आप प्लीज मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए। मैं नहीं कर रही, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, लेकिन उस लड़की से एक बार मिलने में क्या हर्ज है हमजा? क्यों मिलूं मैं उससे? जब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं रानिया से शादी करूंगा तो उससे मिलने का क्या फायदा? तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा, कोई फोर्स नहीं कर रहा कि उससे तुम शादी कर लो, तुमसे सिर्फ मिलने के लिए कह रहे हैं ना, मेरी खातिर मिल लो, अपने बाप की इज्जत की खातिर मिल लो, उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया है उन्होंने, प्लीज डोंट लेट हिम डाउन। काम था, आप कह रही हैं तो मैं फॉर्मेलिटी के तौर पर मिल लेता हूँ उससे, शादी मैं सिर्फ और सिर्फ रानिया से करूंगा। अच्छा ठीक है, ये बातें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले मैं ये तो बता दूं निहाल को जाके कि तुम मिलने के लिए तैयार हो।